यह एक सच्ची घटना है जो हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकन, चुड़ैल, डाकनी, ऐसी कई पैरानॉर्मल घटनाएं घटती है। जिनके साथ ये घटनाएं घटती है वो इसे सच मानते हैं, और जिनके साथ ये घटनाएं नहीं घटती है वो इसे मिथ्या मानते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है तो आप हमारे चैनल को भेज सकते हैं। अगर हमारे चैनल को आपकी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल की तरफ से आपको एक गिफ्ट इनाम के तौर पर दी जाएगी। आज हम एक आपको खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, खौफनाक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, यह घटना एक गांव में घटी थी जो हमारे किसी मित्र ने हमें भेजी है, और हम आप चाहते हैं कि हम आपको आज सुनाएं। पूरा कहानी अवश्य देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाल वाला बटन दबाएं, फ्री है, पैसे नहीं लगते हैं बटन दबाने के, और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। यह एक खौफनाक घटना है। मोहन पेशे से किसान था। बहुत गरीब होने के कारण वह दूसरों के खेतों में खेती करने के लिए जाया करता था। जब भी कभी कटनी होती है गेहूं की, गेहूं काटने का समय आता है, चावल काटने का समय आता है, राई काटने का समय आता है, तो किसान दूसरों के खेतों में जाया करते हैं जिनके पास खेत नहीं होते हैं, मजदूर हुआ करते हैं। ऐसी ही मोहन मजदूर आदमी था, वह दूसरे के खेतों में जाकर गेहूं चावल वगैरह काटा करता था। गेहूं का काटने का समय चल रहा था, मोहन प्रतिदिन गेहूं काटने के लिए जाया करता था, और बहुत सारे लोग गेहूं काटने के लिए आते थे। उसी में से एक खूबसूरत लड़की गेहूं काटने के लिए आया करती थी। मोहन की नजरें चार हो गई। उस लड़की ने भी मोहन को देखा, मोहन ने उस लड़की को देखा, और दोनों एक दूसरे पे फिदा हो गए। लड़की बहुत खूबसूरत थी, मोहन भी हट्ठा कट्ठा नौजवान था, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। धीरे धीरे बात खेतों में फैल गई, लोगों को पता चली, किसानों को पता चली, गांव वालों को पता चली। गांव वाले ने जबरदस्ती मोहन की शादी उससे करवा दी। मोहन को तो पसंद ही था, लड़की को भी पसंद था, दोनों ने प्रेम से शादी कर ली। दोनों आपस में एक साथ रहने लगे एक ही घर में। कुछ समय तो बहुत अच्छा बीता, पर धीरे धीरे मोहन ने देखा उसकी पत्नी का कुछ स्वभाव बदल रहा है। उसने देखा घर के सारे फोटो भगवान के फेंक दिए हैं, मंदिर ढक दिया गया है, दीप नहीं जलाए जाते हैं, पूजा वगैरह नहीं होता है घर में। मोहन अपनी पत्नी से सवाल करता है कि घर में पूजा वगैरह तुम क्यों नहीं करती हो। उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देती है। मोहन सोचता है औरत है, कुछ ऐसी बातें होंगी, नहीं कर रही है। एक दिन मोहन साथ में सो रहा है अपनी पत्नी के साथ। उस समय दिया हुआ करते, दिया बुझाना भूल गया मोहन। मोहन ने अपनी पत्नी से कहा दिया बुझा दो। मोहन की पत्नी ने सोए सोए हाथ लंबा करके दिया बुझा दिया। मोहन काफी घबरा गया। मोहन सोचने लगा कि दिया कैसे बुझ गया, यह तो सो रही है, और यहां से हाथ लंबा कैसे हो गया इसका। पर वह कुछ बोल नहीं पाया डर के मारे। धीरे धीरे घटनाएं और ज्यादा घटने लगी। कभी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी मोहन को, कभी किसी की हंसने की खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती थी। रात में मोहन डर के उठ जाता था। बताए भी तो किसे बताए, प्रेम विवाह किया, अब कर भी क्या सकता है, उसे तो रखना ही है। वह किसी को बता भी नहीं सकता है कि मेरे साथ क्या घटनाएं घट रही है। एक दिन रात में अचानक मोहन की आंखें खुल गई। देखता क्या है, उसकी पत्नी खून से पूरा वदन सना हुआ, निर्वस्त्र कपड़े बगड़ के कुएं पे स्नान कर रही है। रात के 12 बजे मोहन काफी भयभीत हो गया। वह छिप गया कि उसकी पत्नी कहीं उसे देख ना ले। उसके बाद उसकी पत्नी चलते चलते चार रास्ते की तरफ चली गई। मोहन भी उसके पीछे हो लिया। चार रास्ते पे मोहन की पत्नी बैठ गई, चारों तरफ उसने सिंदूर के तिलक किए और मंत्र बुदबुदाते हुए बाल खुले कर और नाचने लगी। निर्वस्त्र अवस्था में मोहन काफी घबरा गया, डरा हुआ सहमा हुआ सा चुपचाप सारा नजारा देख रहा था, पर वह कुछ बोल तो सकता नहीं था, घबरा रहा था। मोहन चुपचाप घर चला आया।
सुबह उसकी बीवी नॉर्मल वापस उसके साथ रह रही है। मोहन सोचे अब करूं तो करूं क्या, एक तांत्रिक को बुलाने चला गया। मोहन को जब कुछ नहीं सुझा तो उससे तांत्रिक की शरण ली, तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने मोहन को कहा ठीक है मैं रात के समय तुम्हारे घर आऊंगा। रात के समय जब तांत्रिक मोहन के घर आया तो देखता क्या है, उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्ला रही है, ए तांत्रिक चला जाए यहां से वरना मारा जाएगा, तू मेरे चक्कर में मत पर, मेरे सिद्धि के सामने तेरी सिद्धि कुछ नहीं है, तू कुछ भी मंत्र मारेगा मैं तेरे मंत्र का काट जानती हूं, मैं जानती हूं तू कितना जानता है, मैं तेरे पूरे जीवन के बारे में जानती हूं, तेरे हर चीज के बारे में जानती हूं, तू चला जाए यहां से। तांत्रिक काफी घबरा गया, मंत्र पढ़ता रहा पर सारे मंत्र बेअसर हो गए उसके सामने। मोहन भी घबरा गया, मोहन दौड़ते हुए गांव में गया और लोगों को यह बात बताई। लोग आए गांव को में चारों तरफ से घर को घेर लिया, उसकी पत्नी घर में ही रही। गांव वालों में बात हुई आपस में, लोगों ने पूरे घर को आग लगा दिया, मोहन की पत्नी उसी में जलकर मर गई। अब मोहन काफी भयभीत हो गया कि मैं यहां क्या करूं। गांव वालों ने सलाह दिया तू यहां से चला जा कहीं शहर कमाने के लिए, तेरे लिए अब यह जगह सही नहीं है, अगर तू यहां साथ में रहता है तो वह डायन तुझे खत्म कर देगी या गांव वाले को कुछ नुकसान पहुंचाएगी। मोहन वहां से चला गया। गांव वालों ने इससे बड़े सिद्ध तांत्रिक को बुलाकर पूरे गांव को बंधवाया मंत्र के द्वारा, तंत्र मंत्र सिद्धि हुई। तब तांत्रिक ने कहा यह बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है पर इसने अभी आपके गांव से पीछा छोड़ दिया है, यह मोहन की तलाश में निकल गई है। मोहन कहां गया किसी को पता नहीं, मोहन के साथ क्या घटनाएं घटी, मोहन लौट के वापस कभी गांव नहीं आया। यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें सुना सकते हैं। अगर आपकी कहानी हमारे चैनल को पसंद आती है तो हमारे चैनल की तरफ से एक गिफ्ट इनाम के तौर पर आपको दी जाएगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को आज्ञा दें, धन्यवाद।